नारियल नहीं, सुनिए मेरा निवेदन भैया, अरे रामू भाई वीडियो मेरी बात आप हो गया मेरा नारियल, इसको ढंग से कराओ तीन ही बजे तक आपको उधर भाग के जाना पड़ेगा मेरा ना, या तो नारियल मेरे सामने फोड़ दे बाकी पूजा बाद में। आप नारियल तोड़ लीजिए, बस हो गया। मैं नहीं तोड़ूंगा, पता क्यों आप एक पत्थर लेंगे। और भैया ठीक है, आप ठीक हैं? अरे तोड़ प्रेम चला, वो कहाँ है रामू भाई? आओ प्राण जी, आओ भैया सब लोग आइए, मैं खड़ा हूँ ना। और जो पूजा बची है वो पंडित जी वो आप वीडियो साहब आप करवाएंगे आप। सही सुना आपने, मंत्री जी इतनी जल्दी में थे कि शहीद अमर जवान रवि सिंह जी के स्मृति में जिस गेट का शिलान्यास होना था, जिस गेट को बनना है उसके शिलान्यास के लिए मंत्री जी के पास ही वक्त नहीं है। गौर से सुनिए, मंत्री जी साफ साफ कह रहे हैं हम नारियल नहीं तोड़ेंगे और आगे की पूजा बीडीओ साहब और शहीद के परिजन खुद ही कर लें। आखिर क्या इसी दिन के लिए हमारे देश के वीर जवान शहीद होते हैं? क्या इन नेताओं के पास इतना भी वक्त नहीं होता कि देश की सेवा करने वालों को कुछ वक्त निकाल के दे सकें? खैर, अंततः शहीद के परिजन एवं क्षेत्र के कुछ मानिंद लोगों द्वारा ही पूजा कर शिलान्यास कार्यक्रम को संपन्न किया गया। गौर करने वाली बात है, जिन शहीदों ने देश के लिए अपनी आहुति दे दी, देश को अपना जीवन बलिदान कर दिया, इन नेताओं के पास वक्त का तकाचा ही देखिए क्या कहें। बात समय की है, 2024 का चुनाव सर पर है और ऐसे में नेताजी को भाग भाग कर शिलान्यास का ढिढोरा जो पीटना था, अंतिम वक्त में अंतिम दिन में शिलान्यास का दौर चला और उसी दौरान मंत्री जी एक अमर जवान शहीद के शिलान्यास करने वाले गेट को भूलकर निकल पड़े, चुनावी वैतरणी पार करने के लिए निकल पड़े। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।